इस डिस्प्ले यूनिट को 3ds Max में मॉडल करेंगे आज हम। सबसे आसान तरीका जो हो सकता है उसको यूज करके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत, वेलकम टू डिजाइन गोरिदम। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। फाइल में जाकर व्यू इमेज फाइल पर क्लिक करो और डिस्प्ले यूनिट की इमेज फाइल को ओपन करके एक साइड प्लेस कर दो। कस्टमाइज में यूनिट सेटअप में यूएस स्टैंडर्ड्स चूज करो। फ्रंट व्यू पोर्ट को ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके मैक्सिमाइज करो। स्नैप में ग्रिड पॉइंट्स को चूज करो। स्नैप पर राइट क्लिक करके होम ग्रिड में जाओ। ग्रिड स्पेसिंग को 1 फीट करो। कमांड पैनल में स्प्लाइन के अंदर से लाइन टूल पर क्लिक करो। क्रिएशन मेथड को देख लो। लाइन ड्रॉ करो ग्रिड्स काउंट करते हुए। हर ग्रिड 1 फीट बाय 1 फीट की है। अब मॉडिफाई में जाओ। वर्टेक्स मोड पर क्लिक करके वर्टेक्स सिलेक्ट करो। मल्टीपल वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके रखो। अब फिलेट करो। रेंडरिंग ऑन कर दो। रेक्टेंगुलर का ऑप्शन चूज करो और वैल्यूज को ट्वीक करो। अब टी प्रेस करके टॉप व्यू सेट करो और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में से सिलेंडर क्रिएट करो। पी टाइप करके पर्सपेक्टिव में आओ। सिलेंडर की हाइट मॉडिफाई करो। इसकी कॉपी बना लो मूव और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करके। तो सिंपल था ये डिस्प्ले यूनिट। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग डिजाइन गोरिदम। बाय बाय।